हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आंखें सिर्फ मां और अपनी मातृभूमि के आगे ही झुकती है। तुझ जैसे लुटेरे अत्याचारी हरामी आततई अय्याशी के सामने पृथ्वीराज चौहान तो क्या, उसका जूता भी नहीं झुकता, समझे? हिंदू सम्राट श्री पृथ्वीराज चौहान को लेकर अनावश्यक विवाद क्यों? शब्द भेदी बाण चलाने से पहले हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी का अंतिम संवाद। वर्ष 1192 में स्थान गौर यानी आज के अफगानिस्तान का गजनी, भारत के लुटेरे आततई अत्याचारी मोहम्मद गोरी के दरबार में हाथों में हथकड़ियों और दोनों पैरों में बेड़ियों में जकड़े हिंदुस्तान के जाबाज हिंदू सम्राट श्री पृथ्वीराज चौहान को पेश किया गया। लुटेरे और आततई गोरी ने हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान से कहा, पृथ्वीराज अगर तुम हमारी गुलामी कबूल कर लो और हिंदू धर्म से बदल कर तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, वरना अंजाम तुम जानते हो, हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे, समझे? हिंदुस्तान के जाबाज हिंदू शेर ने अपना सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर ललकारते हुए कहा, मोहम्मद गोरी हम ना तो तुझ जैसे लुटेरे धोखेबाज बेईमान अय्याश और अत्याचारी की गुलामी कबूल करेंगे और ना ही अपना हिंदू धर्म छोड़कर ये घटिया और बेतुका इस्लाम धर्म कबूल करेंगे। अरे मोहम्मद गोरी तू कान खोलकर सुन ले, जो मौत और तलवार के डर से अपना हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल करते हैं वो कोई डरपोक और वर्ण संकर होंगे, कोई हिंदुस्तानी मुझ जैसा क्षत्रिय तो कतई नहीं। अरे सुन ले गोरी, पृथ्वीराज चौहान को अपना सर कलम करवा कर मौत को गले लगाना पसंद है, लेकिन तुझ जैसे विदेशी लुटेरे की गुलामी और ये तेरा बेतुका इस्लाम धर्म तो कतई ही नहीं। मैं तुझ जैसे लुटेरे हरामी अत्याचारी आततई के मुंह पर थूकता हूं। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के इन तीखे बाण जैसे कटु शब्दों की रणभेरी सुनकर मोहम्मद गोरी तमतमा उठा और जल्लाद की तरह अकड़कर बोला, पृथ्वीराज अपनी ये लाल लाल अंगारी सी आंखें नीची करके बात करो। अरे बेड़ियों में जकड़े हुए गुलाम मुझसे नजरें मिलाकर बात करने की हिमाकत करता है? अरे अपनी नजरें नीची कर पृथ्वीराज, तू मेरा बंदी है, अगर तुमने फिर से मुझसे नजरें मिलाकर बात करने की हिमाकत की तो मैं तुझे इसी वक्त मौत के घाट उतार दूंगा, समझे? हिंदू सम्राट श्री पृथ्वीराज चौहान फिर से शेर की तरह धाड़ते हुए बोले, अरे हरामी मोहम्मद गोरी अगर तू असली खानदान का है तो मेरी यह हथकड़ियां और बेड़ियां खोलकर दिखा, फिर मुझसे बात कर, फिर देख मैं नजरें झुकाकर बात करता हूं या तू नजरें झुकाकर बात करता है। और तू मेरी एक बात और सुन ले मोहम्मद गोरी, हिंदुस्तान के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आंखें सिर्फ मां और अपनी मातृभूमि के आगे ही झुकती है। तुझ जैसे लुटेरे अत्याचारी हरामी आततई अय्याशी के सामने पृथ्वीराज चौहान तो क्या, उसका जूता भी नहीं झुकता, समझे? अपने अपमान और गुस्से से तिल मिलाए मोहम्मद गोरी ने हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की लोहे के गर्म सलाखों से आंखें निकाल लेने का हुक्म दे दिया। ये हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्षत्रिय हैं या गुजर, इस बेतुके विवाद ने सभी बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों को बड़ा आहत किया है। कोई कुछ भी कहे या कोई कुछ भी सोचे, लेकिन सच को झूठा साबित नहीं किया जा सकता। आज भी कुछ अज्ञानी लोग मां भारती की उस आवाज को अनसुना कर नजरअंदाज कर रहे हैं जो द्रवित स्वरों में हमसे चीख चीख कर कह रही है कि मेरे जाबाज यशस्वी बेटे बेटियों को किसी एक जाति के बंधन में बांधकर मेरी वीर प्रसूता कोख का अपमान और जलील ना करो। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जाति कुल वर्ण और धर्म निर्धारण करने से ज्यादा जरूरी
और अहम क्या यह नहीं है कि उनके पराक्रम और राष्ट्र प्रेम को जाना, समझा और महत्व दिया जाए और उस निर्भीक सूर्यपुंज से थोड़ी आग लेकर भारत के भविष्य की राहें आलोकित की जाए। 12वीं शताब्दी के उस वीर शिरोमणि हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान से मेरा वही संबंध है जो एक समाज का अपने महानायकों से होता है। आज मैं आपको विदेशी लुटेरे, आततायी, अत्याचारी, धर्मांध, अय्याश, वर्ण शंकर दोगले मोहम्मद गोरी के उस दरबार में फिर से लेकर चलता हूं जहां हमारे हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी वीरता, शौर्य, निडर और अभय का अंतिम शिखर छू लिया था। उस दिन लुटेरे मोहम्मद गोरी की धरती पर क्या हुआ था, अक्सर से सच तो कोई नहीं जानता सिवा ईश्वर के। हो सकता है बहुत से इतिहासकार और कुछ चाटुकार किस्म के लोग कुछ और कहें और मेरी बात से सहमत हो या न हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच कहना मेरा अधिकार है और मैंने विभिन्न स्रोतों, जनश्रुतियों और खासकर चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों से जितना जाना सीखा है वो मैं बता रहा हूं। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे कवि चंद्रबरदाई। लुटेरे गोरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान और कवि चंद्रबरदाई दोनों को 16 बार युद्ध में हार कर 17वीं बार धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हरा कर लुटेरे गोरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान और कवि चंद्रबरदाई दोनों को कैद करके बंदी गृह में डाल दिया था। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जब गरम सलाखों से आंखें निकाल लेने के बाद भी अपना हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया तो जल्लाद, अत्याचारी अय्याश मोहम्मद गोरी ने दरबार में सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उसके परम मित्र कवि चंद्रबरदाई दोनों को मृत्यु दंड के लिए लाया गया। हरामी, अत्याचारी दोगले मोहम्मद गोरी के दरबार में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का सर कलम होने ही वाला था कि कवि चंद्रबरदाई एकाएक बोल पड़े कि हे सुल्तान, हमारे सम्राट को शब्द भेदी बाण चलाने की एक अनोखी और अद्भुत कला आती है, क्यों नहीं हमारे सम्राट को प्राण दंड देने से पहले उनकी इस अनोखी, अद्भुत और अद्वितीय कला का प्रदर्शन करने का एक अवसर दिया जाए। चंद्रबरदाई की बात सुनकर जल्लाद और हरामी गोरी जोर जोर से हंसा। अरे चंद्रबरदाई, हमने जिसकी दोनों आंखें निकाल ली हो, जिसकी दोनों आंखें फूट चुकी हो, अरे वाह, अब ये अंधा तीर भी चलाएगा और वो भी सिर्फ आवाज सुनकर। हरामी गोरी फिर जोर से हंसा। फिर तो हम इस अंधे की ये शब्द भेदी बाण की कला जरूर देखेंगे, हम भी देखते हैं ये अंधा कैसे तीर चलाता है। इस अंधे का यह शब्द भेदी बाण चलाने का तमाशा तो हम जरूर देखेंगे। कर्तव्य शुरू हुआ। गोरी का सेवक जिधर भी घंटा बजाता, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण एक ही तीर में उसे खंड खंड कर देते। गोरी वाह वाह करके दंग रह गया। वह ऐसी अद्भुत शब्द भेदी बाण की कला देकर रोमांच व खुशी के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा, वाह वाह वाह। ये वही दुर्लक्षण था जिसकी प्रतीक्षा हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और कवि चंद्रबरदाई कई दिनों से कैद खाने की दीवारों के बीच कर रहे थे। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान गोरी की वाह वाह की चिल्लाहट सुनकर उसकी दूरी का अनुमान लगा ही रहे थे कि कवि चंद्रबरदाई ने एक दोहा बोला, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस दोहे को सुनकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने पूरा गणित समझ लिया था। फिर जैसे ही गोरी के सेवक ने घंटा बजाया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने एक ऐसा शब्द भेदी बाण छोड़ा कि वह जल्लाद गोरी की छाती के आर पार भेदता हुआ निकल गया। पृथ्वीराज चौहान के एक ही तीर से हरामी, लुटेरे, वर्ण शंकर गोरी के प्राण थकेरू उड़ चुके थे। गोरी को मृत देखा तो उसके कई सहचर
एक साथ पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन भारत माता के इन यशस्वी निडर और जाबाज सपूतों को किसी विदेशी लुटेरे दुराचारी डकैतों के हाथों मरना कतई स्वीकार नहीं था। कवि चंद्र बदाई और सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने आपस में ही एक दूसरे की छातियों में कटार घोंप दी। दोनों जाबाज भारत माता की गोद में सदा सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए। जय हिंद, जय भारत माँ। अफगानिस्तान में आज भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि उनके अनन्य अदम्य पौरुष, जाबाजी और राष्ट्र धर्म और राष्ट्र प्रेम के प्रति उनके प्रेम और समर्पण की याद दिलाती है। भारत की आन बान और शान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तानी, जय जय हिंदुस्तान, जय हिंद, जय भारत। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जात बिरादरी के चक्कर में अनावश्यक विवाद में न पड़कर उस सच्चे और देशभक्त जाबाज वीर की प्रत्येक राज्य में प्रतिमा क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you.